हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नईम और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे मोबाइल रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल मोबाइल हॉस्पिटल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि पीएमआईसी और एलडीओ मॉस्फेट क्या होता है और पीएमआईसी कैसे काम करती है, कैसे वो डिफरेंट टाइप ऑफ वोल्टेज, अलग अलग प्रकार के वोल्टेज, अलग अलग तरह के वोल्टेज को कैसे डब्ल्यूटीआर, सीपीयू, लाइट आईसी और ब्लूटूथ आईसी को देती है। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही हमारे इंटरेस्टिंग मोबाइल रिपेयरिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाला हूँ आपको ये पीएमआई कैसे वर्क करती है और एलडीओ मॉस्फेट क्या होता है। पहले मैं आपको बताता हूँ कि मॉस्फेट क्या होता है। मॉस्फेट एक आपको अलग से भी मिल जाएगा और वही मॉस्फेट आपकी पीएमआईसी में भी होता है। सो फ्रेंड्स, ये हमारा मॉस्फेट है जिसे हम एलडीओ भी बोलते हैं। मॉस्फेट एलडीओ हम इसको लिख देते हैं यहाँ पर। सो फ्रेंड्स, इसको एक आउट इसमें इनपुट जाता है हमारा वीबेट सप्लाई। इसके अंदर वीबेट जा रहा है हमारा 3.7 वाट। सो फ्रेंड, इसमें एक निकलता है आउटपुट, एक लाइन होती है इसकी हमारी ईएन सिग्नल की, जिससे हमें सीपीयू से सिग्नल आते हैं। जिस लाइन से, एक लाइन ईएन सिग्नल की होती है और एक होता है हमारा जीएनडी ग्राउंड। सो फ्रेंड्स, ये ऐसे वर्क करता है मॉस्फेट। एलडीओ मॉस्फेट जो होता है उसकी उसका काम होता है कि वो आप उसको जो वोल्टेज दोगे वो उस वोल्टेज को कंप्रेस करके, या बोले तो उसे कम करके, कंप्रेस करके, थोड़ा छोटा करके वो आपको वोल्टेज यहाँ पर निकालेगा। जैसे आपने यहाँ पर उसको 3.7 वोल्ट दिया है, बट वो आपको यहाँ पर 2.8 वोल्ट देगा। और यही मॉस्फेट हमारे पीएमआईसी में लगे होते हैं, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ये हमारी पीएमआईसी है। चलो, सो फ्रेंड, जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि ये हमारी पीएमआईसी है और पीएमआईसी के अंदर भी ऐसे छोटे छोटे जो मॉस्फेट होते हैं जो हमें वोल्टेज को कंप्रेस कर कर देते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये पीएमआईसी जो है वो काम कैसे करती है, तो आज मैं उसका आपको इस वीडियो में ये बता रहा हूँ कि हमने यहाँ से इसको वीबेट की सप्लाई गई और वीबेट की सप्लाई गई एक तरफ से, इसमें हमें आउटपुट जैसे ये इनपुट में गई है, ये इनपुट गया और आउटपुट हमारा यहाँ पर जो निकला वो आया हमें 2.8 वाट और यहाँ पे हमारा गया 3.7 वाट। इसमें एक हो गया हमारा ग्राउंड और एक हो गया ईएन सिग्नल। सो फ्रेंड, ये ईएन सिग्नल जो होता है हमारी 1.8 की लाइन होती है, ये इनपुट में हमारा वीबेट गया। ऐसे ही ये काम करता है, जैसे यहाँ पर इसने आउटपुट निकाला 2.8, ये 2.8 की लाइन फिर हमारी एक और एलडीओ में जाएगी और एक और एलडीओ में जाके ये निकालेगी हमें यहाँ पर 1.8 वाट। और एक हमारा फिर से ग्राउंड हो जाएगा और एक हो जाएगा हमारा ईएन सिग्नल। सो फ्रेंड्स, आप सोचते होंगे कि वर्क कैसे करता है, तो ये वर्क कैसे करता है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूं जिसमें आसपास जो है बहुत सारे हमारी कॉइल लगी होती है। जैसे ये देख सकते हैं आप, जो ये कॉइल लगी हुई है जिनकी लाइन जो है हमें जाती है, ये कॉइल हो गई हमारी। और इसमें हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप वोल्टेज इसलिए मिलते हैं कि हमारे जो एलडीओ है, जो एलडीओ मॉस्फेट है, ये हमें जो है वोल्टेज कम कर कर देते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, इसने 1.8 कर दिया, अब ये 2.8 की लाइन इधर जाएगी, मान लीजिए ये यहाँ पे गई, यहाँ पे भी हमें इस पर 1.8 मिल गया। और यही लाइन हमारी जो हमने 1.8 की लाइन थी, ये यहाँ पे इनपुट होके यहाँ से जो आउटपुट निकलेगा वो आउटपुट निकलेगा हमारा 1.0 वाट। और इससे भी कम जितने भी एलडीओ होते हैं ये अलग अलग, उस पर हमारी अलग अलग, जैसे एक एलडीओ हमने ये लगा दिया है यहाँ पर और इस वोल्ट जो इस पर हम इनपुट देते हैं, और इनपुट यहाँ से जो हमारा भार होगा वो आप अगर 1.8 हमारा जो बाहर गया है इससे, 1.0 हमारा बाहर गया है, तो 1.0 इसमें हमें 0.80 या 80 ऐसा भी मिल सकता है, कुछ कम करके ही मिलेगा। सो ये कंप्रेस कर देता है हमारे करंट को जो इसके अंदर मॉस्फेट लगे होते हैं, इससे हमें डिफरेंट टाइप ऑफ वोल्टेज मिलते हैं। अब हम समझ लें कि ये वोल्टेज जैसे कॉइल है, अब कॉइल से हमें कहाँ कहाँ पे जा रहा है, तो यही वोल्टेज हमारे लाइट में,
तो फ्रेंड जो है हमारी बक कॉइल होती है ये हमें वोल्टेज जो है अलग अलग सेक्शन को देती है। जैसे ये हमारा लाइट आईसी को गया, और ये समझ ले कि हमारा गया सीपीयू को, ये वोल्टेज चला गया सीपीयू को, और इसको हम इस कॉइल को लाते हैं और इसको समझ लेते हैं कि ये वोल्टेज हमारा जाएगा आपका लाइट आईसी में, चल गया ये ब्लूटूथ ब्लूटूथ आईसी में चला गया। सो फ्रेंड्स इस तरीके से ये जो हमारी पीएम है ये वर्क करती है और करंट को पास करती है। इसका मेन मकसद होता है जो ये एलडीओ है, ये एलडीओ करंट को कंप्रेस करके हमें पहुंचाते हैं। किन्हीं केसों में क्या होता है, किसी केस में क्या होता है कि ये एलडीओ जो है ये काम करना बंद कर देते हैं, या वाटर डैमेज से या कोई फॉल्ट से या कोई शॉर्ट होने से, उसकी वजह से हमें करंट जो है बक कॉइल पे नहीं मिल पाता है। जब हम पीएम को चेक करते हैं, हॉट टेस्टिंग करते हैं, तो हमें इस पर वोल्टेज नहीं मिल पाती है, और हमारी वोल्टेज जो है वोल्टेज हमें नहीं मिल पाती है, वो शॉर्ट के कारण या वाटर डैमेज के कारण होता है, या फिर हमारा हैंडसेट ड्रॉप एंड डाउन के कारण भी जो पावर सब पावर जो पीएमआईसी डैमेज होने के कारण भी ये प्रॉब्लम हमें आ जाती है। उस केस में हमें पीएम को चेंज करना होता है या रिवॉल्व करना होता है, तभी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। जो हमारा मॉस्फेट है, मैं आपको मॉस्फेट का पूरा डायग्राम बनाकर बताता हूँ, जिसमें आपको पता चलेगा कि मॉस्फेट हमारा वर्क कैसे करता है। मैं आशा करता हूँ आप पीएम को समझ गए होंगे कि पीएमआईसी काम कैसे करती है, कैसे वो डिफरेंट टाइप ऑफ वोल्टेज निकाल दिए, क्योंकि ये कॉइल पे जो हमें वोल्टेज मिलते हैं वो मिलते हैं पीएम से, और पीएमआईसी हम पीएमआईसी के अंदर लगे होते हैं मॉस्फेट, एलडीओ मॉस्फेट, जो हमें डिफरेंट टाइप ऑफ वोल्टेज देते हैं, अलग अलग टाइप के वोल्टेज देते हैं। अगर ये वोल्टेज नहीं दे पाएंगे, अगर ये वोल्टेज हमें नहीं मिलेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी पीएमआईसी खराब है और हमें पीएम को चेंज करना है। लोग डायरेक्ट देखते हैं कि पीएम कॉइल पे चेक करके वोल्टेज को और पीएम को चेंज कर देते हैं या रिवॉल्व कर देते हैं, पर ये डीपली नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ कि पीएमआईसी काम कैसे करती है, कैसे वो हमें अलग अलग वोल्टेज देती है। सो फ्रेंड्स बने रहें आप इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कि ऐसी डीपली नॉलेज हम आपको हर वीडियो में देते रहें। सो फ्रेंड्स अब आपको हम मॉस्फेट का बताते हैं कि मॉस्फेट कैसे काम करता है। मैं पूरा डायग्राम बनाकर आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सो फ्रेंड्स एलडीओ मॉस्फेट, जो एलडीओ होता है, समझ लीजिए एलडीओ मॉस्फेट। अब एलडीओ मॉस्फेट होता क्या है? सो फ्रेंड्स एलडीओ मॉस्फेट जो है दो प्रकार के होते हैं, दो तरह के होते हैं, दो टू टाइप ऑफ मॉस्फेट होते हैं। जो पहला मॉस्फेट होता है वो कुछ इस तरीके का उसका डिजाइन होता है, जो हमारे फोन में लगा होता है। एक तो आईसी में भी होते हैं और एक एक जो है हमारा अलग से भी इसके अंदर मॉस्फेट होते हैं। जो लोग रिपेयरिंग का काम करते हैं वो अच्छी तरीके से जानते होंगे कि मॉस्फेट दो तरह के होते हैं मॉस्फेट, और उनका काम क्या होता है। पर जिनको ये नॉलेज नहीं है, मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। सो जो एडवांस लेवल पे रिपेयरिंग करने वाले हैं, वो लोग ऐसा ना कहें कि आप जो है सबको जो मालूम है वो वीडियो डाल रहे हो। सो फ्रेंड्स ये दो टाइप के जो एलडीओ होते हैं, जैसे एक एलडीओ आपका ये हो गया मॉस्फेट, और एक एलडीओ मॉस्फेट ये हो गया। सो फ्रेंड्स ये तो हो गया आपका मॉस्फेट एलडीओ वन, और ये हो गया मॉस्फेट एलडीओ टू। सो फ्रेंड्स ये वर्क कैसे करते हैं? ये मॉस्फेट जो होते हैं वोल्टेज को कंप्रेस करके हमें वोल्टेज देता है, और कंप्रेस मैंने आपको समझा ही दिया कैसे करता है और कैसे काम करता है। अगर समझ लीजिए एग्जांपल के तौर पे, अगर हमारा वोल्टेज 3.8 है और उसको 1.8 एन सिग्नल के साथ एक मॉस्फेट लगा हुआ है, तो हमें आउटपुट में 2.8 वोल्टेज मिलेगा। यही एलडीओ हमारी पीएमआईसी में भी होता है, जो मैंने आपको वीडियो में बता ही दिया है ना, जो मैंने आपको डीपली समझा ही दिया है कि कैसे वर्क करता है। सो फ्रेंड्स मैं आपको एक डायग्राम बनाकर बताता हूँ मॉस्फेट का, जो के मॉस्फेट वर्क करता कैसे है, एक्चुअल में ये कैसे काम करता है ना। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ये हो गया हमारा वोल्टेज का इनपुट, और ये एक हो गया हमारा ईएन सिग्नल, ये ईएन सिग्नल हो गया जो कि होता है 1.8 वाट,
और ये इनपुट हमारा हम कर देते हैं इसको 3.7 वाट वीबिट सप्लाई कर देते हैं। अब ईएन सिग्नल और एक होता है हमारा यहाँ पर आपका ये लाइन हो गई और एक हमारी ये लाइन हो गई। तो फ्रेंड्स इसमें हमारे ईएन सिग्नल में यहाँ पर हमें दो केप मिलेंगे और ये ग्राउंड से लगे हुए होंगे, ये हमें दो कैपेसिटर यहाँ पर मिलेंगे जो ग्राउंड से लगे हुए होंगे, है ना। बन और ये वाली लाइन जो होगी हमारी, ये होगी वोल्टेज आउट की लाइन। जैसा कि आप सब देख सकते हैं ये वोल्टेज आउट की लाइन है, इसमें भी हमें जो है एक कैप लगा हुआ मिलेगा। आपको एलडीओ की पहचान बता रहा हूं मैं, आप एलडीओ को कैसे जाने कि ये एलडीओ है। और फ्रेंड्स सो फ्रेंड्स ये लास्ट वाला हमारा होगा जिसमें हमें यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ मिलेगा और वो हमारा होगा पैरेलल में, जिसमें हमें एक तरफ ग्राउंड मिलेगा और यही वोल्टेज हमें यहाँ पर भी एक जो है रेजिस्टेंस इसमें लगा हुआ मिलेगा। तो ये हमारे रेजिस्टेंस वन और रेजिस्टेंस टू, जो कि एक रेजिस्टेंस तो हमें जो मिल जाएगा आपका वो मिलेगा सीरीज में और एक मिलेगा पैरेलल में, रेजिस्टेंस वन और रेजिस्टेंस टू। तो ये हो गई हमारी इनपुट वोल्टेज की इनपुट लाइन, है ना। और ये हो और एक वोल्टेज होगा हमारा यहाँ से एक ग्राउंड और यहाँ पर निकलेगा। सो फ्रेंड्स मैंने आपको एलडीओ मॉस्फेट का पूरा डायग्राम बनाकर बताया है कैसे ये वर्क करता है। इसमें वोल्टेज की इनपुट जाता है हमारा, इधर हमारा ईएन सिग्नल हो गया, ये ईएन सिग्नल हो गया, इधर से हमारा वोल्टेज आउट होता है। सो फ्रेंड्स वोल्टेज 3.7 हमारा जो इन करता है, वो इन करने के बाद उसको ईएन सिग्नल से सीपीयू से सिग्नल आते हैं जिसमें हमें दो कैप लगे हुए मिलेंगे 1.8, उसमें वोल्टेज जो है ईएन सिग्नल का आप सब जानते ही होंगे 1.8 सिग्नल हम ईएन सिग्नल में हमें वोल्टेज मिलता है, एक तरफ ग्राउंड मिलेगा और यहाँ पर वोल्टेज और इसके अंदर हमें रेजिस्टेंस लगा हुआ मिलेगा जो कि ये वाला भी हमारा ग्राउंड है बट इसमें एक रेजिस्टेंस हमें मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसे हमारा एलडीओ मॉस्फेट का पूरा डायग्राम है और कैसे ये काम करता है इसका मैंने आपको डीपली नॉलेज दिया है कि कैसे करता है। तो फ्रेंड एक आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि हम एलडीओ को बाईपास कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सो फ्रेंड मेरे हिसाब से तो बाईपास नहीं कर सकते हैं, आपको एलडीओ अगर आपने किसी फ़ोन का निकाला है तो उसको लगाना ही पड़ेगा। और अगर कोई ऐसी ट्रिक होगी तो मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा जिससे कि एलडीओ को कैसे बाईपास करें। बहुत से लोग कभी कभी वाटर डैमेज के कारण जो है हमारा एलडीओ शॉर्ट हो जाता है और हम शॉर्टिंग निकालते हैं, रोजिन लगाकर देखते हैं तो एलडीओ शॉर्ट बताता है तो हम एलडीओ को निकाल देते हैं, पर उसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि एलडीओ लगाए कैसे और कौन सा एलडीओ लगेगा, क्योंकि बहुत से इसमें मैं भी परेशान हुआ हूँ जब भी मैंने इतना नॉलेज लिया एलडीओ का कि एलडीओ क्या होता है कैसे काम करता है। तो आपको उसी वर्जन का या फिर सेम एलडीओ कहीं का भी उठा के सेम आपका हार्डवेयर होना चाहिए, आप लगा सकते हैं। आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि कौन सा पॉइंट उसका ग्राउंड है, कौन सा ईएन सिग्नल है, आउटपुट और इनपुट आपको पता होना चाहिए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, या सेम हैंडसेट का भी आप लगा सकते हैं। सो फ्रेंड्स आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही हमारे इंटरेस्टिंग मोबाइल रिपेयरिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो फ्रेंड्स गुड बाय, अस्सलामु अलैकुम।